डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य FM राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम BCOM पार्ट सेकंड के यूनिट 5 में राजस्थान में आधारभूत संरचना विकास में सड़क यातायात और ऊर्जा के विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या से है। तो आधारभूत संरचना का सीधा सा अर्थ यह है कि आर्थिक विकास के लिए जिन भौतिक और मानवीय तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें आधारभूत संरचना कहा जाता है। यानी इन तत्वों के बिना विकास कार्य नहीं हो पाता है, विकास रुक जाता है। तो विकास के लिए इन सभी संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानवीय तत्व, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा आती है, जो मानव संसाधन है उसको उसका स्वास्थ्य ठीक हो तो ही वह संसाधन के रूप में कार्य कर पाता है। और दूसरा शिक्षा हो, जिस तरह के व्यवसाय आज देश में पनप रहे हैं उनके हिसाब से आवश्यक श्रम शक्ति उपलब्ध होती है तो इसके लिए शिक्षा ज़रूरी होती है। तो ये भी एक शिक्षा भी जो वर्तमान का जो व्यवसायिक आवश्यकता है उसको देखते हुए शिक्षा भी एक आवश्यक आर्थिक विकास का तत्व बन गया है। फिर है भौतिक संसाधन, इनमें बिजली, पानी, सड़क, बैंक, बीमा, परिवहन आदि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये आधारभूत संरचनाएं हैं। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में सड़कों का परिदृश्य क्या है, कि जैसे जैसे विकास की तरफ अपना देश अग्रसर है वैसे वैसे सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान में कितनी प्रगति की है। आज़ादी के बाद 1949 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो कि मार्च 2016 में 217,707 किलोमीटर हो गई, और सड़क घनत्व 60.88 किलोमीटर हो गया। घनत्व को प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के आधार पर मापा जाता है, जबकि राष्ट्रीय सड़कों का औसत था घनत्व वह 148 किलोमीटर है, जो कि कम है। अब हम देखेंगे राजस्थान में सड़कों की स्थिति। 31 मार्च 2016 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,168.20 किलोमीटर है, यानी जो नेशनल हाईवे हैं उनकी लंबाई 8,168.20 किलोमीटर थी, और राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे जिस प्रकार नेशनल हाईवे होता है उसी की तरह से स्टेट ने भी राज्य के सभी कस्बों को जोड़ने के लिए स्टेट हाईवे की योजना शुरू की और इसके अंतर्गत स्टेट हाईवे बनाए गए। इसके अंतर्गत 15,607 किलोमीटर लंबी सड़कें अब तक बनाई जा चुकी हैं 31 मार्च 2016 के अनुसार। और फिर है मुख्य जिला सड़कें, इनकी लंबाई 7,646.21 किलोमीटर है। फिर है अन्य जिला सड़क, इनके अंतर्गत 30,313.33 किलोमीटर सड़कें अब तक बनाई जा चुकी हैं। और फिर है ग्रामीण सड़कें, राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 155,972.56 किलोमीटर। तो ये राजस्थान में सड़कों का परिदृश्य था। अब हम देखेंगे राजस्थान में सड़कों से जुड़े अन्य कार्यक्रम। पहला है BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, यानी बनाओ, संचालित करो और स्थानांतरण करो। वैसे ये कोई योजना नहीं है, मगर यह सड़क क्षेत्र में सड़कों का निर्माण के लिए
और पुलों के निर्माण के लिए एक नीति है, एक योजना है। इसके अंतर्गत सरकार किसी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से एक समझौता करती है और उस समझौते के अंतर्गत उन कंपनियों को सड़कें बनाने का अनुमति प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत जितना भी सड़क की लागत होती है वह संबंधित कंपनी को ही वहन करनी होती है, और जब संबंधित परियोजना बनके तैयार हो जाती है, सड़क पुल जो भी बनके तैयार हो जाता है, फिर उसके संचालन का अधिकार बनाने वाली कंपनी को दिया जाता है, यानी ऑपरेट करने का अधिकार दिया जाता है, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के लिए एक व्यवस्था ऐसी की गई है जिसके अंतर्गत सड़क बनाने वाली कंपनी को सड़क की जब तक जो लागत होती है और लागत में कंपनी का जो लाभ है अभी शामिल करते हुए उसको भी जब तक वसूली नहीं हो जाती है तब तक के लिए उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। यानी BOT जो है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र योजना के अंतर्गत संबंधित कंपनी को जो उसने बनाई है उस सड़क से गुजरने वाले सभी वाहनों से पथ कर या टोल टैक्स लिए जाने का प्रावधान किया गया है, और जब ये संपूर्ण लागत वसूल हो जाती है तब उस सड़क को संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। तो इसलिए BOT बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र योजना ये एक मोड है, एक तरीका है सड़कों के निर्माण का, और ये BOT का जो नीति है या जो तरीका है वह चाइना से लिया गया है। सबसे पहले 1979 में चाइना होटल का निर्माण BOT के तहत ही किया गया था। फिर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक सहभागिता, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सड़कों के निर्माण के लिए जो निजी कंपनियां हैं उनको ठेका दिया जाता है और उसके बाद में उसको संबंधित सरकार को सौंप दिया जाता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गाँव में भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है, तो गाँव में सड़कों की भी काफ़ी कमी थी, तो सन 2000 में 25 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सभी गाँवों को अच्छी और 12 महीने उपयुक्त रहने वाली सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था, और आज इसी योजना की बदौलत प्रत्येक गांव में अच्छी सड़कें मिल रही हैं, और लगभग देश के 90% गाँव में सड़कें अब तक बना दी गई। फिर है नाबार्ड। नाबार्ड है ये देश में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने वाली RBI की सहायक कंपनी है। तो नाबार्ड भी ग्रामीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के लिए कोष उपलब्ध कराता है, जिसके लिए ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि का निर्माण किया गया है, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके अंतर्गत कृषि उपज मंडियों को ये अधिकार दिए जाते हैं और उनको बजट दिया जाता है कि वह संबंधित गांव में इस RIDF निधि के माध्यम से सड़कों का निर्माण करा सके। फिर है ग्रामीण गौरव पथ। यह राजस्थान सरकार की योजना सन 2014 में लाई गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में लगभग 2 किलोमीटर लंबा गौरव पथ बनाया जाता है। फिर है राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम, ये एक कंपनी है, इसका निर्माण भी राजस्थान में सड़कों की निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है।
और सभी सड़कों के निर्माण के लिए यही जो जिम्मेदार होती है। फिर है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। जिस प्रकार देश में नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उसी तर्ज पर राज्य में राज्य राजमार्ग बनाए गए हैं, स्टेट हाईवे। अब हम देखेंगे राजस्थान में यातायात ट्रांसपोर्ट की, मतलब जो वर्तमान परिदृश्य है वह इस प्रकार है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में इस समय 4607 बसें हैं, 31 मार्च 2007 के आंकड़ों के अनुसार। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा, राजस्थान रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस, 2015 में इसकी अनुमति प्रदान की गई थी और इसके माध्यम से निजी बस ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। फिर है राजस्थान लोक परिवहन सेवा 2015, लंबी दूरी की बसें चलाने के लिए जो निजी बस ऑपरेटर हैं उनको इसके तहत नियमित किया गया है, उनका पंजीकरण किया गया है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा 2015 में शुरू की गई थी। फिर है राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या 145.86 लाख थी 31 दिसंबर 2016 के अंतर्गत, यानी कि राजस्थान में जो पंजीकृत वाहन हैं उनकी संख्या 1,45,86,000 थी और इसमें प्रतिवर्ष 7% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि लगभग 7% नए वाहन राजस्थान में प्रतिवर्ष पंजीकृत होते हैं। फिर है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन विकास। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें जल विद्युत थर्मल पावर जिसके अंतर्गत कोयला गैस और तेल से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया गया है, और फिर है अणुशक्ति, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। फिर है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन चक्की आदि को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे राजस्थान की जो विद्युत परियोजनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है थर्मल पावर संयंत्र, थर्मल पावर के संयंत्र कोटा और सूरतगढ़ में हैं। फिर है धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, यानी गैस से थर्मल का जो ताप संयंत्र है धौलपुर में स्थित है। फिर माही पनबिजली परियोजना, यानी माही नदी पे जल के द्वारा बिजली बनाई जाती है। फिर है राजस्थान में राजस्थान परमाणु संयंत्र रावतभाटा कोटा में, और इसके अलावा विभिन्न जो केंद्रीय योजनाएं हैं बिजली की उनमें भी राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है, उनमें शेंगरौली, रिहंद, दादरी, अन्ना, औरैया, दादरी गैस संयंत्र, ऊंचाहर तापीय संयंत्र। जल विद्युत परियोजनाएँ हैं उनमें टनकपुर, सलाल, चमेरा और उरी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान में पवन विद्युत संयंत्र मथानिया जोधपुर भी है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में ऊर्जा की स्थापित क्षमता, यानी कितनी क्षमता की जो अभी तक स्थापित की गई है, यानी कितनी एनर्जी का उत्पादन राजस्थान में वर्तमान में किया जा रहा है, इसको हम तीन भागों में बांट के देखेंगे। स्वयं की भागीदारी वाली योजनाएं, राज्य सरकार की खुद की योजनाएं या भागीदारी वाली, इसमें तापीय ऊर्जा, इसमें 5190 मेगावाट का उत्पादन 2016 दिसंबर के अंतर्गत किया गया है। फिर है जल विद्युत ऊर्जा। इसी प्रकार जल विद्युत ऊर्जा से 1,017.29 मेगावाट और गैस ऊर्जा से 603.50 मेगावाट और कुल मिला के
6810.79 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें तापी ऊर्जा से 1394.41, जल विद्युत से 738.39 और गैस विद्युत से 221.10 और परमाणु विद्युत से 456.74 और कुल मिलाकर 2811.4 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। और फिर है तीसरे नंबर पे RSMML, RREC और निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा कंपनियां, बायोमास कंपनियां और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन स्थापित किया गया है वह उसमें पवन ऊर्जा में 4073.70, बायोमास में 101.95 और सौर ऊर्जा में 740.70 मेगावाट और तापी ऊर्जा से 3356 मेगावाट और कुल मिलाकर 8272.35 मेगावाट। और सभी प्रकार की योजनाएं जिनमें एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर पे जो योजनाएं थी उनसे कुल मिलाकर 17894.18 मेगावाट विद्युत का उत्पादन राजस्थान में वर्तमान में करने की क्षमता रखता है। अब हम देखेंगे राजस्थान में विद्युत क्षेत्र की योजनाएं। पहला है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदय, ये 20 नवंबर 2015 को भारत सरकार के द्वारा राजस्थान की विद्युत आपूर्ति कंपनियों की परिचालन और वित्तीय दक्षता सुधारने हेतु शुरू की गई योजना है। यानी इसका मकसद था कि जो परिचालन है विद्युत का उसमें जो छिद्रत होती है उसको कम से कम किया जाए, रोका जाए और साथ में ही जो वित्तीय दक्षता भी प्राप्त की जाए यानी जो प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत है उसको भी घटाने के ऊपर जोर दिया गया है उदय योजना के अंतर्गत। और राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन से जो कंपनियां जुड़ी हैं उनके लिए योजना शुरू की गई थी। तो हम देखेंगे राजस्थान की विद्युत कंपनियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये कुल मिला के 5 कंपनियां जिनमें है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, ये उत्पादन से संबंध रखती है। फिर दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी जो उत्पादन के बाद में उसका प्रसारण करना, उसका ट्रांसमिशन करना ये काम करती है प्रसारण निगम लिमिटेड। फिर है वितरण का कार्य आता है, तो वितरण क्षेत्र की 3 कंपनियां हैं। पहली है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और तीसरी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस प्रकार पहली कंपनी उत्पादन से संबंध रखती है, दूसरी प्रसारण से और बाकी 3 कंपनियां विद्युत वितरण से संबंध रखती हैं। फिर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का जो उद्देश्य था वह 3 से 4 हज़ार तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित था, यानी सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की योजना का लक्ष्य रखा गया था। फिर बिजली सबके लिए योजना। बिजली सबके लिए योजना में उन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। फिर है डिस्कॉम आपके द्वार योजना, ये विद्युत कंपनी के द्वारा चलाई गई राजस्थान की योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे रविवार को कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं और जो आवेदनकर्ता होते हैं जिनको बिजली का कनेक्शन लेना होता है उनको मौके पर ही बिजली का कनेक्शन दे दिया जाता है। फिर है मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना। विद्युत सुधार के लिए यानी विद्युत क्षेत्र में जो संचालन और वित्तीय दक्षता प्राप्त करने से संबंधित मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना है। फिर है इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो वितरण से संबंधित, विद्युत के वितरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए और उसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए ये इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना चलाई गई थी। फिर है उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED 4R यानी उजाला योजना, ये जनवरी 2015 में चलाई गई थी। इसका मतलब जो कम ऊर्जा वाले
विद्युत बल्ब जिनको LED कहा जाता है, वो इस योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान में सभी बिजली उपभोक्ताओं तक न्यूनतम कीमत पे पहुंचाए गए थे। फिर अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का मतलब है ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बाकी चाहे जो ज़मीन से निकलने वाला गैस है, तेल है, ये सभी भविष्य में समाप्त हो सकता है मगर ये ख़त्म नहीं होंगी। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो इनको अक्षय ऊर्जा का नाम दिया गया है। तो यानी गैर परंपरागत जो ऊर्जा के साधन हैं उनको प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा योजना शुरू की गई थी। 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2014 लाई गई और फिर मार्च 2014 में पवन ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया और इसका आशय यही था कि राजस्थान में पवन जो अक्षय ऊर्जा है उसको उत्पादन को और उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। और इसी का परिणाम रहा कि 2016 तक यानी लगभग 2 वर्षों में ही राजस्थान में 1,34,61,695 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया गया और इसका राज्य में वितरण किया गया। फिर है सोलर पार्क, मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट, यानी सोलर पार्क लगा के सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सोलर पार्क बनाए गए। 26,000 मेगावाट उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया, MOU किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। इसके अंतर्गत भड़ला, जोधपुर, फतेहगढ़ और पोखरण फलौदी में मेगा सोलर पार्क शुरू किए गए। फिर है जैव द्रव्य ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का मतलब है कृषि से उत्पन्न ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जिनका कोई यूज नहीं होता है, जैसे सरसों के जो डंठल होते हैं और चावल की भूसी होती है और जैसे कई पेड़ पौधों की टहनियाँ होती हैं, उन सभी को उन सभी से बिजली उत्पादन की जाती है। उनको जला के जो ताप उत्पादन होता है उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसी को जैव द्रव्य ऊर्जा, बायोमास एनर्जी कहा गया है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करवा रहा है और अभी तक 120 मेगावाट की 13 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं राजस्थान में। फिर ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसके अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है जो विभिन्न 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।